जय श्री राम। सब लोग जो है दूरबीन से देख रहे हैं यहाँ से श्रीलंका। हम देख रहे हो ना, ये ही है रेलवे ट्रैक का। विभीषण जी को जो है श्री रामचंद्र जी यहाँ पे राज तिलक किए थे। धनुष कोटी से श्रीलंका की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है। देख रहे हो पूरा जंगल घना सा एकदम। हाँ जी, जय श्री राम, हर महादेव आप सभी लोगों को। फिर से आज अपने जो है रामेश्वर में तीसरा दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं धनुषकोटी राम सेतु सभी जगहों पर एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है तो हम लोग भाई साइकिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना टेंट वेंट पैक कर दिया है और यहाँ पे पलट के भाई इसको ढक दिया था कि किसी को पता ना चले गेट इधर है या उधर है, ठीक है। तो बाकी चलते हैं और यहाँ पे मुंबई से जो भी 100-200 आदमी आए थे घूमने के लिए वो इसका पूरा टीम आया हुआ है। तो सब लोग अपना टेंट वेंट जो है भाई सीधा सीधा एकदम पैक कर रहे हैं और यहाँ से चलते हैं साइकिल से और आप सभी को भाई घुमाते हैं और दिखाते हैं। बाकी कल वाला अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है रामेश्वर मगर जरूर से देखना, ठीक है। यहाँ से अब निकल रहे हैं और आज हम सभी लोग अपना सामान वामान छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सामान भाई लेके जाने की जरूरत नहीं था। खाली साइकिल है और खाली साइकिल आज देखने में कुछ अजब सा लग रहा है भाई, क्योंकि सामान रहने पर थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था। बस एक छोटा सा ये बैग है, इसमें छोटा मोटा सामान अपने पास ये जो अपने पास हमेशा रहता है ये वाली बैग, इसमें कुछ खाने वाने की सामान है क्योंकि उधर भाई मिलता नहीं रहता जल्दी और ज़्यादातर जो भाई बता रहे उधर बहुत नॉनवेज वाली चीज़ें सी फूड ज़्यादा मिलती है इस कारण से। तो चलते हैं यहाँ से, एक घंटे में पहुँच जाएंगे भाई। और फिलहाल से यहाँ पे कार्तिक भाई भी आ गए। भैया निकल रहे हैं क्या आज? हाँ जी भैया, आप क्यों में थे? क्यों निकल रहे हैं? बहुत दिन हो गए महादेव के बाद, महादेव ने दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी थी। सही बात। अरे भगवान जी जल्दी से बुला रहे हैं यहाँ से तिरुपति बालाजी। और फिलहाल से यहाँ पे जस्ट धर्मशाले के बगल में यहाँ पे स्टॉल है तो पोहा लेते हैं भाई। भैया लगा रहे हैं पोहा, तो ये भैया ताजी पोहा 20 की है, ठीक है, खाते हैं फिर चलेंगे भाई। 11 नंबर की गाड़ी तो निकल पड़ी है कार्तिक भैया की, बस अपनी गाड़ी निकल रही है, बिना गाड़ी वाली नंबर है, मतलब इसमें नंबर नंबर नहीं है। चलते हैं यहाँ से भाई डायरेक्ट अब धनुषकोटी, ठीक है। सब लोग यहाँ पे तैयार है, बहुत टाइम हो गया भाई। जब आप धनुषकोटी के लिए जाएंगे तो मैंने बताया था कि इधर कुछ भी नहीं मिलता है और भाई सच में कुछ नहीं, इधर पूरा जंगल ही जंगल है। आप पीछे देख सकते हो इधर पूरा जंगल है, सामने देख सकते हो पूरा जंगल है, इधर हर तरफ भाई जंगल ही जंगल है और कुछ भी दुकान घर कुछ नहीं है क्योंकि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है धनुषकोटी। भाई गर्मी बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, अगर आप जितना सुबह इतना इधर आ सकते हो ना उतना बेटर रहेगा। देख रहे हो पूरा जंगल घना सा एकदम, जंगल ही जंगल है इधर। तो भाई यहाँ जो हाईवे से आप जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक टेम्पल है, कोदन द्रामा टेम्पल, और ये समुद्र के भाई चारों साइड से बीच में बना है और यहाँ पे रास्ता है। तो चलिए चलते हैं भाई, चारों साइड से पानी और बीच में भाई चलने का आनंद ही बहुत प्यारा है भाई, अलग ही सुकून है। तो भाई अभी तो पहुंच गए टेंपल के पास, पहले दर्शन करके आते हैं और साइकिल यहाँ पार कर दिया। पीपल के पेड़ में कुछ इस प्रकार से लोगों ने बहुत सारे मन्नतें शायद मांग रखी है, जो कपड़े में बांध करके चूड़ी है और बहुत सारी चीज़ें बांध के इस तरह से लटका रखे है। बाकी यहाँ पे भाई दुकानें भी है और दुकानें भाई बस छोटी मोटी बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ऐसे मिल जाएंगी, बाकी नारियल पानी ये सब मिलेगी। भाई दर्शन तो करके आ गया हूँ और इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर में सबसे पहले श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, विभीषण जी, इन सबकी प्रतिमाएँ अंदर में दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ना विभीषण जी को जो है श्री रामचंद्र जी यहाँ पर राज तिलक किए थे। तो जो भी श्रद्धालु जो है यहाँ से जाते हैं धनुषकोटी दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे दर्शन करके फिर आगे की तरफ जाते हैं। जब दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकला तो यहाँ पे जो है हमें एक भैया मिल गए जो महाराष्ट्र से 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा कर रहे हैं अपनी इस पल्सर से। आइए बात करते हैं भैया, हरण महादेव। हरण महादेव, कहाँ से हैं आप भैया? मैं पुणे बारामती पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 92 दिन से निकला हूँ और मैंने लगभग ऑल इंडिया को मिल लिया है। मैंने 27 स्टेट हो गए इंक्लूडिंग ले लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, वो पकड़ के 27 हो गए और उसमें मैंने मेरा कल ही 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा भी कंप्लीट हो गए। भारत के चार धाम भी कंप्लीट हो गए भाई। 22,000 किलोमीटर आपने इस वाले बाइक से नॉर्मल बाइक है और इनसे 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम पशुपतिनाथ हर जगह भैया कंप्लीट करके आप जो है ना घर की साइड जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हर हर महादेव। कुछ इस प्रकार से लोग जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम यात्रा किसी भी वाहन निकलते हैं, बाइक पैदल निकलते हैं, साइकिल निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, पर सभी जगह जा करके दर्शन करते हैं। चलते हैं उधर की साइड, और भी चीज़ें हैं देखने की, वो सब दिखाते हैं। ये पत्थर फ्लोटिंग करता है? अच्छा, अलग हाथ में उठा का फोटा की चिड़िया बिड़िया की जगह 20 रुपया। अच्छा,
और ये जो पत्थर है ना भाई, यहाँ पे फ्लोट करता है, तैरता है। ये देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो ये फ्लोट करने लगा। ये देखो भाई, ये है वही राम जी का पत्थर जो राम जी ने पुल बनाया था सीता जी को लाने के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई जो पत्थर जो रखे हुए पवन भाई, ये पत्थर भाई पानी के ऊपर फ्लोट करता है, आपने अभी देखा है। और ये जस्ट मंदिर के बगल में आप जाएंगे, आएंगे समुद्र के किनारे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देखो भाई फ्लोट किस तरह से कर रहा है भाई। देखो वही पत्थर है जो श्री राम ने राम सेतु पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, सीता जी को लाने के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है भाई, बारिश भी आ गई अभी तो बारिश भी आ गई है। और फिलहाल से उस साइड भाई धूपा है, उधर धूपा है, बट इधर भाई बारिश हो रही है, देख रहे हो। तो भाई आप देख सकते हो जो भी लोग आ रहे हैं हर जगह जगह से पत्थर को ना फ्लोट करा करके और हाथ में लेकर के भाई देख रहे हैं कि वाकई में पत्थर जो है ना पानी के ऊपर तैरते हैं या नहीं। अपना सनातन धर्म का ये प्रमाण जो है, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले जब जा रहे थे श्रीलंका तो रास्ते बनाए गए थे इसी पत्थर से, और आज भी वो इतने पौराणिक है देखने को मिल रहा है हम सभी को। यहाँ से अब चलते हैं, बाकी ये टेंपल का नाम है आप जरूर से पढ़ लेना, और कभी आना तो दर्शन जरूर करना। धनुषकोटि के नज़दीक पहुँचेंगे तो रास्ते किनारे किनारे ऐसे ऐसे स्टॉल आपको देखने को मिलेगा, और ये स्टॉल भाई किसी और चीज़ की नहीं, मच्छी के स्टॉल है भाई। यहाँ पर भी मच्छी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी देखो ये जाल वाल रखे, और इसके अंदर मंडी है मे भी शायद। और यहाँ से भी बस कुछ दूर रह गया है, बारिश आ गई थी इस कारण से रुक गए। फिर थोड़ी देर में चलेंगे भाई, 5-10 मिनट के अंदर में। बाकी ये सब कितने हैं भाई, ये मछुआरे लोगों का ही इसके अंदर सब बनाया गया है, वो लोग भी इसे मच्छी का मंडी उंडी लाइक शायद लगाते हैं। बाकी हर तरफ समुद्री देखेंगे, और बीच में बस इतना सा रास्ता है। रास्ते के अलावा भाई दोनों साइड एक एक घर, मतलब जो भी है इतना ही जमीन है, बाकी जमीन नहीं है इधर। ये है धनुषकोटि का यहाँ का रेलवे स्टेशन। धनुषकोटि से कुछ किलोमीटर पहले ही आपको जो है ना यहाँ का इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन आप सभी को पता है धनुषकोटि में है। और इस वक्त मैं यहीं पे हूँ, आप ये देख सकते हो भाई, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। और आप चौंक जाएंगे कि भाई ये रेलवे स्टेशन कैसे हो सकता है, तो भाई इसके बारे में आपको बताता हूँ। 1964 का टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसमें यहाँ का जो भी चीज़ें है ना सभी चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ का जो भी विलेज था, रेलवे स्टेशन था, साथ में आप सभी ने देखा होगा पंबन ब्रिज के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे 6 डब्बे जो है ना नीचे उतर गए थे, लगभग करीबन 200 के आसपास जो है ना अपनी जो भी पब्लिक थी उसका डेथ हो गया था। बाकी आप जो है ना थोड़ी सी के बारे में आपको बताते हैं इतिहास, और आप यहाँ पहुँच करके आप पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो भाई, ये जो है यहाँ पे धनुषकोटि से श्रीलंका की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है, बाकी बोट मेल ट्रेन। और ये देख सकते हो धनुषकोटि हार्वर्ड विथ रेलवे ट्रैक, और यहाँ पे भाई जब क्षतिग्रस्त हुआ था ट्रेन का वो सारी चीज़ यहाँ दिखा रखा है। बाकी थोड़ा करीब से चल के आपको दिखाते हैं कि हमारा जो इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन था वो किस प्रकार का था। आप देख सकते हो भाई पूरा जो है ना पत्थरों से बनाया गया था इस रेलवे स्टेशन को, और अभी कुछ इस प्रकार का मलबा बचा है और कुछ नहीं है भाई यहाँ। तो भाई आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इधर से है, और ये वाली भाई एक ही यहाँ पे बिल्डिंग है, बाकी सब डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। और भाई ये जो आप निशान देख रहे हो ना ये ही है रेलवे ट्रैक का शायद से, ये देखो इस पर बिछाता है एक, और इधर यहाँ पे बाकी सब खंडर में बदल चुका है। और इसे भाई हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जानते हैं। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे चर्च है, कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुएँ कुछ इस प्रकार से रहते हैं जिसके अंदर में पानी जब इकट्ठा होता है भाई तो मोटर के जरिए दमकल के जरिए अपने साइड दमकल बोलते हैं, यहाँ से पानी इकट्ठे करके ले जाते हैं और फिर पानी का यूज करते हैं, देख सकते हो भाई। बाकी पुराना भाई था, पूरा खंडर हो गया है। यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, और मोड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाकी ये जो टावर देख रहे हो आप भाई, यहाँ सिग्नल के लिए है, जो भी अपने सेफ्टी के लिए जो लोग हैं उसका है ये सब चीज़ें हैं। और बगल में ये छोटा सा कुछ है, इसके अंदर शायद अभी लोकल लोग इसके अंदर में रहते हैं। और यहाँ पे एक कुआँ भी है भाई ये वाली, और इधर तो पूरा जंगल ही जंगल हो गया है भाई, पूरा जंगल जंगल है, क्योंकि 1964 का बात है तो बहुत लंबा टाइम हो गया अपने इस पुराने से धरोहर को टूटा और बिखरा हुआ। तो भाई चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर, और भाई विश्वास नहीं होता अभी कि इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन अपने यहाँ पे 1964 में ऐसा खतरनाक साइक्लोन आया कि आज इसका अस्तित्व ऐसा है कि यहाँ पे भाई कुछ भी बचा नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक है, और पहले का ट्रैक भी बहुत छोटा छोटा होता था भाई, देख रहे हो यहाँ से बस इतनी सी दूरी पर है,
देर हाथ के अंदर मेरे ट्रैक है और बिल्कुल भाई सुनसान पड़ा हुआ है भाई। समुद्री शंख यहाँ पे देखो कितने सारे, ये छोटे छोटे है, ये बड़ा वाला है और ये भाई उससे भी बड़ा वाला है। बाकी ये कुछ ऐसा ही शंख जैसा ही है, ऐसा तो आपने देखा हो अपने गाँव में भी, तालाब में मिलता है ऐसा। बाकी इधर कुछ ये शंख भाई इधर मिल रहे। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू धनुषकोटी, और भाई ये रहा समुद्र और देख सकते हो इसके आगे भाई कुछ भी नहीं है और लोग यहां पे भाई घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए आते हैं। क्या ही प्यारा भाई नज़ारा है देख सकते हो, और इस टाइम बारिश भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। बाकी थोड़ा साइड में चलते हैं भाई, क्या बात है, ये देखो भाई समुद्र। और यहाँ पे भाई ये तो धनुषकोटी है, मैंने जो पूछा है उनसे, बाकी राम सेतु जो है वो पानी के अंदर में समा गया है। बाकी बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं घूमने के लिए, और तुम्हारा भाई भाई साइकिल से यहाँ तक पहुँच गया है, लगभग 6 महीने हो गए मुझे, और 6 महीने में भाई मैं पहुँच गया धनुषकोटी रामेश्वरम। पीछे ये अशोक स्तंभ है, और हाँ जी हेलो हेलो बिहार बिहार तो या ब्रो साइकिल हाँ बिल्कुल हिंदी आती है प्रॉपर इंग्लिश में। इंदौर मैं भी गया था एमपी। हाँ नेम नोमैड श्रवण श्रवण ओके थैंक यू। तो बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रखे अपना साइकिल है भाई। ऊपर जगह फिर पानी पे लास्ट जगह डाकोना देखो श्रीलंका का एंट्रेंस। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये जो मीन लगा बहुत बड़ा, इसमें क्या देख रहे पता है, श्रीलंका यहाँ से दिखती है कुछ कुछ चीजें, तो इससे भाई दिखा रहे सब लोग जो है दूरबीन से देख रहे हैं यहाँ से श्रीलंका में भी दिखता है। ऐसे खुली आंखों से भाई तो नहीं दिखेगी, बट हाँ उसके जरिए दिख सकती है भाई। बारिश हो गई भाई, फोन ही काम नहीं कर रहा है, क्या दिखाऊँ मैं। बाकी अपना यहाँ साइकिल है पूरा गीला हो गया। तो भैया धनुषकोटी का अपना व्यू कुछ ऐसा है। इस वक्त हम लोग आ गए हैं इंडिया के लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बाद भाई अपना इंडिया ख़त्म हो जाता है और समुद्र ही समुद्र स्टार्ट होता है। बाकी यहाँ से 27 किलोमीटर या 20-22 किलोमीटर मतलब यहाँ से श्रीलंका है, पानी के लेवल भी ज़्यादा है तो यहाँ से दिखती नहीं है, नहीं तो बाद थोड़ी सी यहाँ पे टावर दिखती रहती है भाई, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पे बोट है, पानी की लेवल बहुत तगड़ी हो रखी है और लोगों की भाई भीड़ देखो, पूरा बस के बस यहाँ लगे पड़े भाई। हमारा भाई साइकिल से आ गया, देख रहे हो सब लोग देख रहे हैं साइकिल को अपना। भाई सीतामढ़ी बिहार से पहुंच गया है लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का भाई व्यू देखने के लिए, देख रहे हो। तो ये थोड़ी देर के लिए बारिश स्टार्ट हुआ, देखो पूरा का पूरा सुनसान खाली हो गया, देख रहे हो लोग किस तरह से भाई छुपा रहे अपना सर, और बारिश खत्म होने के बाद भाई देखो दौड़ दौड़ के लोग आने लगे। क्या यार लोग है, थोड़ी देर इंतजार तो कर लेते हैं भाई। बारिश इस लेवल पे आ गई है कि अब तो भाई बहुत मुश्किल हो गया है, तूफान आ गया है समुद्र में और बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही भाई। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भाई, एक वीडियो भी नहीं बन पाया भाई, फोटो ले पाया हूँ, चलते हैं यहाँ से भाई, पूरा बॉडी भीग गया है अब। ऐसे देखो जितनी भी गाड़ी आई थी भाई सभी गाड़ी यहाँ से अब जो है ना घुमा घुमा कर जाने लगी है, पन्नी खींच लीजिए, चलते हैं भाई अब क्या कर सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपने इस कैना के पास, वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ भाई, एक घंटे में मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उधर घूम रहे थे, बहुत तगड़ी भाई बारिश आ गई, इतनी बारिश आई कि भाई फिर छूटने का नाम ही नहीं लिया। हम लोग बारिश में भीगते भीगते पूरा शरीर भाई गीला उला हो गया था, और इसी तरह यहाँ पे आकर के अपना फिर सारे कपड़े को भाई धो करके पसारना पड़ा, पूरे बालू वालू हो रखे थे भाई, और पानी भी पूरा खड़ा खड़ा था, और पानी जब पड़ते थे ना भाई आंखों में मतलब जीप पे बहुत अजीब सा लग रहा था भाई। वीडियो भी नहीं बना पाया, शॉर्ट्स वीडियो बनाया हूँ तो थोड़ा सा बना, ज़्यादा नहीं बनाए फिलहाल से भाई, भूख बहुत जोर का लगा है, तो चलते यहाँ से खाना पीना खाएंगे। तो भैया राजस्थानी ढाबा पे मिल गया खाने के लिए अपने पास, ये कद्दू की सब्जी आलू की सब्जी और ये दाल रोटी 160 का भाई फूल है, भरपेट खाएंगे। फिर यहाँ पे एक दही है और सबको खाना स्टार्ट कर चुके हैं भाई, बहुत कस का भूख लगा है भाई, सुबह से नहीं खाया था तो पहले खाते हैं, फिर भाई बात करेंगे आगे चल के जो भी होगी सारी बातें। तो भैया अपना खाना पीना हो गया, ये है महावीर राजस्थानी भोजन शुद्ध शाकाहारी, और भाई 130 रुपया लिए हम लोगों से, 160 था, 30 रुपया भाई कम से कम डिस्काउंट तो हो गया, अच्छा लगा भाई। अब चलते हैं यहाँ से, पेट पूजा हो गया जस्ट सामने भाई मंदिर है, आप लोग एक बार फिर से दर्शन कर लो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। आज दोबारा से हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, और टाइम था अपने पास बहुत, तो सोचा भाई दर्शन करके ही अब आगे की साइड चला जाए। तो बाकी देख रहे हो भाई चारों साइड से कुछ इस प्रकार का बना है। अभी थोड़ी देर पहले ही दर्शन करके हम लोग आए, और आज मैंने दूसरी बार जो है ना बाबा का दर्शन कर लिया,
12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और एक धाम भी आप सभी को पता है। रात के भी 8 बजने वाले हैं और आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर आज दर्शन हुए, उस दिन तो बाबा को बोले थे तो फर्स्ट टाइम आए हैं, आज तेरे को मैं जल्दी दर्शन दूंगा, पर आज तो दोबारा आया ना तो थोड़ा लेट लगेगा। तो आज बहुत भीड़ था, लेकिन उस दिन भाई थोड़ी भी भीड़ नहीं थी। बाकी आज वहाँ पे गए थे वहाँ भी भीड़ नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धूप तो आई नहीं, बारिश बहुत तेज आ गई भाई, तो किसी तरह दर्शन तो कर लिए। आप सभी लोग अभी नाइट का ये कुछ व्यू है, जस्ट सामने ये गेट है, तो नाइट का आज मैंने व्यू दिखा दिया आपको ना, एक बार आप सभी लोग फिर से दर्शन कर लो। बाकी आज के इस ब्लॉग में इतना ही भाई, थकान को ज़्यादा हो गया है तो चल के सोते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हर हर महादेव।